नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं प्रसाद जादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अल्कलाइन वाटर क्या किसी किडनी पेशेंट ने कंज्यूम करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। ये बिल्कुल मैं एज अ फ्रेंड आपको जो कुछ बता रहा हूँ वो एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ। अगर आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए होगी तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बट जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है और जो कुछ भी अल्कलाइन वाटर के बारे में आपको लिटरेचर अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अल्कलाइन वाटर और आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड वाटर का क्या डिफरेंस होता है। अल्कलाइन वाटर जो होता है बेसिकली या तो वो नेचर में खुद अल्कलाइन होता है, जैसे कि बोरवेल का वाटर हो या फिर स्प्रिंग वाटर हो जिसका पीएच 7.5 के ऊपर होता है। 7 इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल और 7 के नीचे जो भी है वो एसिडिक कंसिडर किया जाता है। 7.5 के ऊपर जो भी पीएच होगा वो अल्कलाइन कंसिडर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मेन सवाल की तरफ कि क्या जिसको किडनी का प्रॉब्लम है उसने अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। देखिए, अगर आप नेचुरल अल्कलाइन वाटर जो आपको जमीन से मिल रहा है वो अगर आप कंज्यूम करते हैं किडनीज के प्रॉब्लम में, तो आपको दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। बिकॉज जनरली जो है, जब किडनीज फेल हो जाती है या किडनी की एफिशिएंसी कम हो जाती है तो जितना मिनरल्स पानी के अंदर होंगे उतना किडनी पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाता है। 7.5 से लेके 9 पीएच तक हम लोग ड्रिंकेबल रेंज कंसिडर करते हैं, जो अल्कलाइन वाटर कहा जाता है। अल्कलाइन वाटर की जो है बनाने की बेसिकली बहुत सारी मेथड्स हैं। कुछ नेचुरली अल्कलाइन वाटर अवेलेबल होता है, जैसे हम लोग जानते हैं स्प्रिंग वाटर हो गया नेचुरली फाउंड, यानी कि जमीन के अंदर का पानी, उसका पीएच जनरली अल्कलाइन होता है। उसको अल्कलाइन होने का रीजन ये होता है कि वो मिनरल रिच होता है। तो मेन सवाल के पास आते हैं कि क्या किडनी पेशेंट्स को अल्कलाइन वाटर कंज्यूम करना सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आयोनाइजर्स बनाते हैं कंपनीज, वो सारे मेंशन करते हैं अपने आयोनाइजर्स के ऊपर कि दिस वाटर इज नॉट कंसिडर्ड फॉर ड्रिंकिंग फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम्स। यानी कि दोस्तों, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा गया है कि किडनी के प्रॉब्लम्स के लोगों ने अल्कलाइन वाटर को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जैसे मैंने आपको बताया किडनी के पेशेंट्स को मिनरल रिच वाटर भी प्रॉब्लम दे सकता है, उसी के लिए उन्होंने हमेशा जो है आरओ वाटर कंज्यूम करेंगे तो उनके लिए वो काफी बेहतर साबित होता है। बिकॉज जो अल्कलाइन वाटर है उसके अंदर मिनरल्स ज्यादा होते हैं। अगर वो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर हो तो उसमें मिनरल्स होने की शक्यता कम होती है कंपेयर्ड टू जो कार्ट्रिजेस से अल्कलाइन वाटर बनाया जाता है। चाहे वो कोई भी कार्ट्रिज हो, अल्कलाइन कार्ट्रिज हो, उसका इस्तेमाल किडनी पेशेंट्स ने नहीं करना चाहिए। अल्कलाइन जग हो उसका भी इस्तेमाल किसी भी किडनी पेशेंट ने नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज जब हम लोग अल्कलाइन जग के अंदर पानी डालते हैं उसके अंदर से जो पानी निकलता है उसके अंदर मिनरल्स ऐड हो जाते हैं जो किडनी को फिल्ट्रेशन करते वक्त किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ला सकते हैं। तो दोस्तों, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने अल्कलाइन वाटर नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो आशा करता हूँ मैंने आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयत्न किया होगा। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कहेंगे, कमेंट्स के ऊपर इसके ऊपर कमेंट करेंगे कि नहीं, आपको आयोनाइज वाटर पीने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज योर कॉल, आप डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या किडनी पेशेंट ने अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए या नहीं चाहिए। और आप वो भी पूछ सकते हैं जो कंपनी है उसके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं अल्कलाइन वाटर जो प्रोवाइड कर रही है क्या वो किडनी पेशेंट्स के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। बी सेफ। जय हिंद।